आजकल बड़ी बातें हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी, क्या होंगी, अपना तजुर्बा बताते चलो कि सबसे पहले जो HSC ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है अभी, उस पर हमारी यूनिवर्सिटी ने मुस्तकिल तौर पे अमल किया। मतलब सबसे पहली बात ये कि क्या यूनिवर्सिटी रेडी थी या नहीं थी, यूनिवर्सिटी रेडी थी, फैकल्टी को ट्रेनिंग कराई गई, स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी गई। सबसे बड़ी बात यह कि एक स्ट्रॉन्ग LMS सिस्टम हमारे पास है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और सारी बात यह कि फैकल्टी को इस बात से आगाह किया गया, स्टूडेंट्स को कोर्स आउटलाइन ऑनलाइन प्रोवाइड की गई, लाइब्रेरी में उनको बताया गया क्या क्या लिंक्स हैं, कहाँ कहाँ से आप मटेरियल उठा सकते हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड किया गया, टेक्नोलॉजी रेडीनेस हमारे पास है, वी हैव गॉट अ ट्रेमेंडस सिस्टम। अब तक अल्लाह की फजल से हम मुसलसल कामयाबी के साथ ये कर रहे हैं, हमने अपने मिड टर्म एग्जाम भी किए हैं इसमें, और हमारी जो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है वो कामयाबी के साथ मराहल तय कर रही है। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स को, सबसे बड़े स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना था, उनको रेडीनेस करना था, वो तमाम रेडीनेस रहे, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की और ये प्रोसेस जा रहा है। हाँ, लेकिन थोड़े हिकअप्स आते हैं। मज़ेदार बात यह कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में होता है, बिल्कुल डिफरेंट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात अलग होती है। तो इसके अंदर आप कुछ गाइडलाइंस, मैं अपना तजुर्बा ये दूंगा कि पहले तो ये कि आप एक ऐसे घर के एक ऐसे हिस्से में हो जहां किसी का आना जाना आप मना कर दें कि भाई वहां ना आए। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी आप कैमरे पे देखें, स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि अगर उनको कोई पूछना है, कोई क्वेरी है, देन दे कैन अपना जो अनम्यूट है उसको म्यूट को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। एक साथ स्टूडेंट्स बात जगह बोलने लगते हैं, उसकी वजह से टीचर को प्रॉब्लम होती है। ये गाइडलाइन बड़ी ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि टीचर जो है इंटरैक्शन करे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन वन बाई वन। और दूसरी बात यह है कि जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उसके अंदर आप स्टूडेंट्स को एक दिन पहले बता दें कि क्या लेसन पे आप डिस्कशन करने जा रहे हैं कल सुबह या कल दोपहर या शाम को, उस पे स्टूडेंट्स थोड़ी तैयारी करें और फिर आके आपके साथ बात करें, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स से कहें ये कि जरा नीट एंड टाइडी नजर आए और आप खुद भी बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे हैं, इसी तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस भी लें। ऑनलाइन क्लासेस का मजा ही बड़ा अलग है, और मतलब ये एक नया तजुर्बा है, इसमें हिकअप्स तो जरूर आएंगे, बाज़ औक़ात साइट जो है वो कनेक्ट नहीं होती, आपका ID और पासवर्ड जरा उसका नाम क्या कनेक्ट नहीं होता, गलत चला जाता है, तो उसमें पैनिक ही होने की जरूरत नहीं है। यू हैव गॉट एम्पल टाइम, टेक योर टाइम एंड अगेन उसको रिकनेक्ट करने के बाद, जिस ऐप पे भी आप जा रहे हैं रिकनेक्ट करने के बाद आप स्टूडेंट्स को बताइए। होता है कि स्टूडेंट्स परेशान होकर मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, सारी बात ये। और दूसरी बात, फैकल्टी के लिए ये बहुत जरूरी है, वेरी वाइटल, कि आप प्रिपेयर रहें, आपको प्रिपेयर रहना है, वहां आपकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए कि आप उठ के नहीं जा रहे हैं, इधर नहीं कर रहे हैं, चाय नहीं पी रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तो फिर वो स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ता है। हम चंद यूनिवर्सिटीज़ में हैं पाकिस्तान की जहाँ इंतहाई कामयाबी के साथ ग्रीनविच ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की।